हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और चलिए शुरू करते हैं हम। आज मैं आपको इंग्लिश में केवल क्या पढ़ाने वाला हूँ पता है, ये इतना बड़ा बोर्ड जरूर भरा है आपके सामने, बट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। केवल हम किसके बारे में बात करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में। ठीक है, आपकी सभी क्लासेस रेगुलर चल रही है। आपको रोज शाम को 5:30 या 6 बजे से डेली क्लासेस सभी सब्जेक्ट की मिलेगी 10 बजे तक। ठीक है, तो आप देखते रहिए। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डेली कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो भैया कि पढ़ने पे ध्यान दो आप लोग, है ना, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। आप लोग ये जो इस तरह की बातें करते हो कि सर ये कहीं फिक्स, तो इसमें तो हमको सर लेंगे ही नहीं, इसमें तो सर ये तो वो उस तरह की एग्ज़ाम है, इसमें तो हमको फिर एग्ज़ाम देनी पड़ेगी क्या। अरे यार, तो ये कोई बात नहीं होती है। देखो, अगर आपको लगना ही है, आपने डीएड कर रखा, पहली बात तो ये 1-1.5 लाख रुपये आपने वहाँ लगा रखे, मान लो, चलो आप चलो मान लेते हैं कि ये परीक्षा ऐसी है कि इसमें आपको फिर परीक्षा देनी पड़ेगी, तो उसमें क्या समस्या है। अब उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि या तो हम इस एग्ज़ाम को दे देते, दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं देते। नहीं इसलिए नहीं देते कि सर कभी बाद में फिर परीक्षा देनी पड़ी तो इतना क्यों डरते हो आप लोग, यार मेरे समझ में नहीं आती। तो सर या तो आप इस एग्ज़ाम को दे दो या नहीं दो। अब इस एग्ज़ाम को नहीं देते हैं तो आपके सारे द्वार बंद हो जाते हैं, है ना, कुछ भी नहीं बचा आपके पास। अब इस एग्ज़ाम को दे देते हैं और मान लो अगर वो फिर एग्ज़ाम लेते हैं और वापस से आप एग्ज़ाम देते हैं और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लिए ये द्वार खुला हुआ है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि एग्ज़ाम देना है, बात खत्म। ठीक है, अब बहुत सारे, कल एक का फ़ोन आया, सर क्या फिर एग्ज़ाम होगी क्या। अब क्या बताओ, अब अरे होगी तो फिर दे देंगे, हैं इतने क्यों डरते हो यार, डरो मत आप, है ना, पढ़ो आप तो बस। चलो आज मैं आपको फर्स्ट फॉर्म के बारे में बताता हूँ। भाई ऐसा है कि मंजिलें मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो जो घर में ही बैठे ना अभी, सर बाद में परीक्षा होगी क्या, ये कौन सी परीक्षा है, ये कौन सी परीक्षा है, वो गुमराह तो वो है। हम तो घर से निकल गए हैं, हमने वैकेंसी जिस दिन आई थी उसी दिन से पढ़ाना चालू कर दिया। अब हम लोग इतना सोचते तो फिर क्या होता, हम तो पढ़ा ही रहे, आप पढ़ो कि मत पढ़ो। ठीक है, तो अब आज से पढ़ाई पर ही ध्यान दें आप। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, लेकिन मुझे टेंस के नाम से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे तो केवल फर्स्ट फॉर्म से मतलब है। अब ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS लगाना है, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। अब आप पूछेंगे सर सब्जेक्ट मतलब क्या, सिंगुलर मतलब क्या, तो सिंगुलर का मतलब होता है ही शी इट और किसी का नाम, और प्लूरल का मतलब होता है आई यू वी और दे। जैसे अब सब्जेक्ट आ जाता है आपके पास में ही, तो आप लिखेंगे प्लेस, मतलब एस लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल आ जाता है तो आप उसमें एस नहीं लगाएंगे। बहुत सारों के साथ एक समस्या होती है कि सर ये जो आई होता है ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इसको प्लूरल में काउंट करते हैं। ठीक है, अब सर इसके साथ एस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो क्यों आप हमेशा इस चीज़ का यूज़ करते हो या फिर टीवी में सुनते हो कि आई लव, तो आई लव बोलता है सामने वाला आदमी कि आई लव्स बोलता है, बताओ आप। आई लव बोलता है ना, तो इसका मतलब इसके साथ एस नहीं लगेगा, तो इसको हम किस में काउंट करेंगे, इसको हम प्लूरल में काउंट करेंगे। ठीक है, अब देखो सिंगुलर होगा तो SAIS, प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म, तो ये होता है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात दूसरी निकल के आती है कि सर फॉर्म तो बहुत सारी होती है, हमको कैसे पता चलेगा कि इसको कहाँ यूज़ करना है, तो मैं आपको वो नहीं बताऊंगा कि ताहेती है में ये आती है। ताहेती है कहाँ आता है, पहली बात तो ये बताओ, क्या हमारी परीक्षा में ताहेती है आता है, बिल्कुल नहीं आता है। तो फिर ये इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इसको आपको अंग्रेजी में ही ढूंढना है। तो जब आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे, ये देखो मेरे सामने 4 क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन में आपको कुछ कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर कीवर्ड्स है ऑलवेज, रेयरली, नॉर्मली, जनरली, ऑफन, सेल्डम, एवरीडे। ठीक है, तो जब आप ये जो कीवर्ड्स ढूंढ लेंगे तो इससे आपको ये पता चलेगा कि यार मुझे फर्स्ट फॉर्म में जाना है, क्योंकि इन कीवर्ड्स को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो चीज़ आप किसी रूटीन बेसिस पे करते हैं, जैसे कि आप हर 3 दिन में नहाते हैं, तो ये एक फ्रीक्वेंसी हो गई कि साहब मैं हर 3 दिन में नहाता हूँ। कोई कोई बोलेगा सर मैं त्यौहार त्यौहार पर नहाता हूँ, दिवाली पर नहाता हूँ, फिर होली पर नहाता हूँ, फिर राखी पर नहाता हूँ, तो ये भी उसके लिए फ्रीक्वेंसी हो गई। कोई बोल देगा सर मैं तो रोज़ नहाता हूँ, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब जब आप किसी भी टाइम को एक फिक्स रूटीन टाइम में करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बोला कि मैं दिन में सर 2 बार खाना खा लेता हूँ, तो दिन में 2 बार, तो ये आपका क्या हो गया, रूटीन हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऑलवेज आ जाए, रेयरली आ जाए, नॉर्मली आ जाए, जनरली, ऑफन, सेल्डम, एवरीडे, तो इनके साथ में हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पर लिखा है
अब मेरे पास में इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। अब बहुत सारे लोग आपको ऐसे सिखाते हैं कि ता है ती है में ये आता है, रहा है रही है में ये आता है। तो जब मैं एग्जाम में जाऊंगा तो वहाँ मुझे ना तो ता है ती है दिखेगा ना रहा है रही है, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो फिर मैं इंग्लिश में ढूंढूंगा कि इसमें कीवर्ड क्या है। तो मुझे कीवर्ड मिलेगा इसमें एवरीडे। तो एवरीडे से मुझे पता चल जाएगा कि यार ये तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है, और अगर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है तो ये तो फिर इस फॉर्म में जाएगा। कौन सी फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। जब फर्स्ट फॉर्म में जाएगा तो मुझे फिर यहाँ चेक करना पड़ेगा कि देखो आई आ रहा है, और आई आपका क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल है तो मुझे इसके साथ में क्या लगाना है? मुझे लेना तो ये फॉर्म है, तो अब एस वाली लेना है या विदाउट एस वाली? तो वैसे एस वाली दे नहीं रखी है, पर मान लो दे दी जाती तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रहता क्या? प्लेस। तो मैं कौन सी सिलेक्ट करता फिर, प्ले या प्लेस? तो मैं, अरे प्लेस लिख दिया मैंने, ओपन्स। फिर मैं कौन सी सिलेक्ट करता? तो मैंने देख लिया कि आई है, तो अब बाकी के ऑप्शन तो नहीं आएंगे क्योंकि ये तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही है इसमें, जहाँ पे केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे केवल क्या आ जाएगा? आई ओपन माय शॉप एट 7 o'clock एवरी डे। बोलो बात समझ में आई आपके? ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मुझे एवरी डे से पता चला कि इसमें मुझे ये वाली फॉर्म लगानी है। ठीक है, अब फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे गया। दूसरे क्वेश्चन पे मैंने देखा यार वापस से एवरीडे लिखा हुआ है, तो एवरीडे मतलब ये तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, और इसका मतलब मुझे केवल फर्स्ट फॉर्म में जाना है। मतलब जब आप इसको पकड़ लेंगे ना, तो जो 12 फॉर्म है आपके टेंस की, वो 12 ही फॉर्म हट जाएगी और उन 12 में से एक फॉर्म निकल के आ जाएगी, है ना। ये तो मैं अभी एक फॉर्म ही बता रहा हूँ आपको। ऐसी 20 फॉर्म होती है, 12 टेंस की, 8 वॉइस की। इसके अलावा 10 फॉर्म और होती है मॉडल वर्ब की, उसके अलावा 10 फॉर्म और होती है मॉडल वर्ब की पैसिव फॉर्म। मतलब देखा जाए तो कुल मिला के आपके 40 वर्ब होती है। ठीक है, चलो 40 क्या, देखो मैं बताता हूँ कितनी वर्ब है। टेंस की 12, 8 वॉइस की 20, 10 मॉडल वर्ब, 13 मॉडल वर्ब कितनी हो गई? 33। फिर 13 मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस कितनी हो गई बताओ आप? 46 वर्ब होती है। 46 वर्ब में से एक वर्ब लगानी पड़ती है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, एवरीडे आया है तो इससे पता चला अपने को क्या कि ये तो फ्रीक्वेंसी है, रोज़ की बात है, और रोज़ की बात है तो मुझे फर्स्ट फॉर्म में जाना है, इसलिए यहाँ पर आई वाटर द प्लांट्स एवरीडे। बस तो ये जो इतनी सारी वर्ब होती है ना, 40 वर्ब, उसमें से एक वर्ब निकालना है। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा बड़े प्रेम से। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी तो केवल फर्स्ट फॉर्म के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ऑलवेज, रेयरली, नॉर्मली, जनरली, ऑफन, सेल्डम, एवरीडे, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, और जब भी ये आती है तो आपको वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लेना है। लेकिन अब आप एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जब ये क्वेश्चन एग्जाम, अब मान लो जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि अध जल गगरी झलकत जाए। अब मान लो कि आधा अधूरा ज्ञान आपने ले लिया, ठीक है साहब, आपने याद रख लिया, एक सर जहाँ एवरीडे आएगा वहाँ पे हम ये लगा देंगे। अब आप एग्जाम में गए और वहाँ पे आपके सामने एवरीडे आ गया, ये आ गया साहब। अब आप पहुँचे वहाँ पे कि सर माय शॉप तो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में एस आई एस आ जाएगा। तो अब आपने कुछ एक चीज़ मिस कर दी यहाँ पे, और वो ये कि यहाँ पर था आई, मतलब कोई इंसान था, मैं दुकान खोलूंगा। तो ये इंसान था मतलब कि ये एक्टिव है, दुकान खोलने वाला आगे खड़ा है, और एक्टिव का मतलब टेंस होता है, और वहाँ पर टेंस की फॉर्म हम लगाते हैं। लेकिन इसमें ये जो शॉप है, ये कोई इंसान नहीं है, ये पैसिव फॉर्म है, ये पैसिव। पर ये यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पैसिव की याद ही नहीं आती। एग्जाम में पैसिव की याद तब आती है जब आपको पूछा जाए कि एक्टिव से पैसिव बनाओ, अदरवाइज नहीं आती है। लेकिन मैं आपको एक बढ़िया चीज़ सिखाता हूँ आज, कि जब यहाँ लिखा हुआ माय शॉप, तो आपको एक ट्रिक लगाना है कि मेरी दुकान ने खोला या मेरी दुकान को खोला जाता है। तो दुकान खोलती है क्या किसी को? दुकान तो नहीं खोलती। अगर दुकान खोलती तो मैं इस फॉर्म को लगाता, लेकिन यहाँ पर दुकान को खोलने की बात हो रही है, मतलब इसमें किसी इंसान को नहीं दिया है, इंसान जो है इसमें मिस है, और जब इंसान मिस होता है तो वो होता है पैसिव, और अगर वो पैसिव होता है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो वही है, लेकिन मुझे इसकी ये फॉर्म नहीं लगाना है, मुझे इसकी ये फॉर्म लगाना है जो कि होती है पैसिव फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब यहां पर मैं बोलूंगा कि माय शॉप इज ओपनड एट 7 o'clock, मेरी दुकान 7 बजे खुल जाती है। अब मैं इसमें ये नहीं बता रहा हूं कि मेरी दुकान कौन खोलता है, मैंने बोला कि 7 बजे खुल जाती है, बस तुम्हारा आ जाना। लेकिन इसमें मैंने क्या बोला कि मैं दुकान 7 बजे खोलता हूँ, तो इसमें मैं एक्टिव था इसलिए ये फॉर्म, लेकिन जब इंसान एक्टिव नहीं होता है तो फिर ये फॉर्म लगती है। तो ये यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, ये दुनिया में कोई भी नहीं बताएगा आपको, है ना। देखो बहुत बारीकियाँ होती है और बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है। आप लोग तो ऐसे हल्के में उछाल देते हैं, कुछ भी टाइम पास कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है भाई साहब। ठीक है, और देखो जैसे मैं इस क्वेश्चन में गया, अब मैंने देखा कि यार एवरीडे लिखा है, तो यार एवरीडे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ चला जाता हूँ,
ठीक है चलेगा साहब कि माय द प्लांट्स तो सर प्लूरल है, प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वाटर एवरीडे। लेकिन आपने ये तो नहीं देखा कि क्या पौधे जो हैं वो पौधे पानी देते हैं क्या अपने को, कि लो आज तुमको ही दे दूँ रोज़ तुम मेरे को देते हो। भाई पौधे तो पानी नहीं देंगे ना, तो पौधों को पानी दिया जाता है। तो पौधों ने पानी दिया या पौधों को दिया? पौधों को दिया। तो को दिया तो ऐसे केस में आएगी पैसिव फॉर्म जो कि होगी इज एम आर थर्ड फॉर्म, तो इसलिए आएगा द प्लांट्स आर वॉटर्ड एवरीडे। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अब लोग इसमें समझते नहीं है एक्टिव पैसिव में, बस वो तो याद कर लेते हैं कि फर्स्ट फॉर्म होती है इसका, पैसिव फॉर्म ये होता है, और इस तरीके से कर लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, आपको उस चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अब मेरी बात सुनो वापस से, कि इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीन शॉट ले लो आप फटाफट। ठीक है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो। अब वापस से मैं आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर आप को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, हालांकि ये इतना सा पोर्शन नहीं है फर्स्ट फॉर्म का, अभी तो फर्स्ट फॉर्म बहुत बड़ी होती है, इसमें बहुत प्यारी प्यारी बातें होती है सीखने के लिए। अब देखो, अगर आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाए और उसमें अगर इंसान हो तो आपको ये फॉर्म लगाना है, और अगर उसमें इंसान नहीं हो मान लो तो आपको ये फॉर्म लगाना है। जैसे ऐसे समझिए, बहुत सारी दुकानों पर लिखा हुआ रहता है, जैसे कि हमारी कोचिंग है, तो हमारे वहाँ बाहर हमने लिखा है कि हमारे यहाँ पर अंग्रेजी सिखाई जाती है। अब इस पूरे सेंटेंस में क्या किसी इंसान का नाम लिखा मैंने कि कौन अंग्रेजी सिखाता है? तो इसका मतलब कि हमारे यहाँ पर अंग्रेजी सिखाई जाती है, हमेशा की बात है ना। अब बात क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर अंग्रेजी सिखाई जाती है, कौन सिखाता है ये नहीं बता रहा है। तो मतलब इंग्लिश इज टॉट हियर, इस ग्राउंड में फुटबॉल खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है, पर कोई ये नहीं बोल रहा है कि कौन खेलता है। तो फुटबॉल इज प्लेड हियर। मान लो मैंने बोला कि राम यहाँ पर फुटबॉल खेलता है, तो राम प्लेस फुटबॉल हियर। मैं रोज सुबह 7 बजे दुकान खोल देता हूँ, मैं खोलता हूँ, तो आई ओपन माई शॉप 7:00। मेरे पिताजी रोज सुबह दुकान खोल देते हैं, तो माई फादर, ए बेटा 2 मिनट मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, फिर उसके बाद में अपन धुमाल पट्टी करेंगे, है ना, मैं थोड़ी देर पढ़ा लूँ इनको। ठीक है, ओके, बैठ जाओ आराम से। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपको, अरे क्या कह रहा था मैं, चलो वापस है। हाँ, मेरे पिताजी दुकान खोलते हैं, तो मेरे पिताजी, तो माय फादर सिंगुलर है, तो ओपन्स माय शॉप 7:00। अच्छा, मैं रोज गाड़ी धोता हूँ, तो आई वॉश माई कार एवरी डे। बट अगर मैंने को ऐसा बोलना है कि मेरी गाड़ी रोज धुलती है, इसने आदमी का नाम नहीं लिया, माई कार इज वॉश्ड एवरी डे। अब जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए कि माई कार ब्लैंक एवरी डे, तो आपको वहाँ पे लगाना है माई कार इज वॉश्ड एवरी डे। जो समझ में आ गई होगी पिक्चर आपके, तो ये चीज़ होती है। तो इंग्लिश बहुत आसान है, इतनी टफ नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आसान है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, जिसमें हम, जैसे कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये तो मैं आपको अभी ऐसे ही डेमो बता रहा हूँ, उसमें इस फर्स्ट फॉर्म के बारे में 4 दिन तक लेक्चर चलता है 1-1 घंटे का, तब जाके ये चीज़ कंप्लीट होती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश आसानी से समझ सकते हैं आप, तो आप भी क्लास ज्वाइन करें और अच्छा सा सीखें, क्योंकि लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, बिकॉज यू आर एजुकेटेड। आप सभी लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्रियाँ हैं, तो आपको ज़िंदगी में सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर, हालांकि देखो मुझे टाइम कम मिलता है, तो मैं यूट्यूब पर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, और उसमें तो मैंने कम से कम 50-60 प्लस वीडियो, 70 वीडियो रेगुलर बना रखे हैं, जिसमें हम सभी चैप्टर कवर करवाते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस शीट सॉल्व करवाते हैं। तो अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आपको आगे बेनिफिट होगा। ठीक है, हमारी वीडियो क्लास के डेमो भी मैंने नीचे, एक चैप्टर का पूरा डेमो दिया है नीचे, 4 घंटे का, 4 अलग अलग पूरे प्लेलिस्ट है, 4 अलग अलग वीडियो है, आप वहाँ जाके देखें, उनको आराम से समझें, और फिर डिसीजन लें कि ये क्लास मुझे लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। ये क्लास केवल पढ़ने के लिए नहीं है, आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं इससे सीख के, या बहुत कुछ इंग्लिश सीख सकते हैं बोलना, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि पौधों को रोज़ पानी दिया जाता है, तो अब इसमें पौधों को रोज़ पानी दिया जाता है, अच्छा आदमी का नाम नहीं है, तो प्लांट्स आर वाटर्ड एवरी डे। मैं पौधों को रोज़ पानी देता हूँ, आई वाटर द प्लांट्स एवरी डे, ऐसे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बाकी की क्लासेस आपकी सारी चल रही है केवल अंग्रेजी और बाल विकास को छोड़ के, क्योंकि अंग्रेजी में मतलब ज़्यादा डीप में नहीं चल रहा है, क्योंकि अंग्रेजी की हम लोग पेड क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको वहाँ पे आके पढ़ना पड़ेगा। बाकी तो आपकी संस्कृत, गणित, हिंदी है ना, और पर्यावरण, चारों की क्लासेस आपको आपके चैनल पे मिलेगी, सभी क्लासेस फ्री है, उनका कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।